अज्ञात शरारती असामाजिक तत्वों ने मंदिर में स्थापित लगभग 500 साल पुरानी मूर्ति की खंडी मौके पर पुलिस एवं प्रशासन पहुंचा। जी हां, दतिया जिले के सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र में तरन तारण मार्ग आम के हनुमान मंदिर में लगी शिव प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया है। सुबह होने पर जब मंदिर के पुजारी देवेंद्र कुमार पांडे पूजा करने पहुंचे तो देखा कि मूर्तियां खंडित हैं, जिसे देखा उनमें रोष फैल गया। वहीं विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने मंदिर परिसर में नारेबाजी कर कहा कि मूर्तियां फिर से स्थापित कराएं और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करें। वहीं सूचना मिलते ही स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में SDM अशोक चौहान, SDOP सुमित अग्रवाल, TI धनेन्द्र सिंह भदौरिया, तहसीलदार नितेश भार्गव मौके पर पहुंचे। वहीं विद्यार्थी परिषद छात्र अनुराग शर्मा ने पुलिस और प्रशासन से जल्द शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं SDM अशोक चौहान ने मीडिया को बताया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा मूर्तियां तोड़ी गई हैं, उनके खिलाफ कोतवाली थाना में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस लगी हुई है। मूर्तियों को फिर से स्थापित कराया जाएगा। वहीं SDOP दतिया सुमित अग्रवाल ने कहा कि CCTV कैमरे में देखा जा रहा है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। 500 वर्ष पुरानी मूर्ति थी, एक 300 वर्ष पुरानी मूर्ति थी, जिस प्रकार लगातार हिंदू देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, बड़ा ही निंदनीय और कठोर है। 500 साल पुरानी मूर्ति थी और एक 300 वर्ष पुरानी मूर्ति थी पंचमुखी। हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आर पार की भी लड़ाई होगी तो लड़ने के लिए तैयार है। हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू चाहता है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सुरक्षा बनी रहे एवं हिंदुस्तान सुरक्षा रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाइयां ना हो। अगर इस प्रकार की घृणा एवं इस प्रकार हिंदू देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, हिंदू शांत नहीं रहेगा। प्रशासन से मांग है कि तत्काल प्रभाव से मुकदमा कायम किया जाए और SP और कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से मूर्ति की स्थापना की जाए, वरना हिंदू मैदान में है, चक्का जाम करेगा, आंदोलन करेगा, प्रदर्शन करेगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन द्वारा रात में आम के हनुमान जी हैं उनके पास जो शिवलिंग थे उनको नुकसान पहुंचाया गया है, इसकी सूचना पे आए तो संबंधित के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक दो लोग को पकड़ा भी गया है और जो मूर्तियां को नुकसान हुआ है उसमें हम नहीं स्थापित करा रहे हैं। जी अभी हमें सूचना मिली है कि आम के हनुमान जी हैं यहाँ पर, अभी देखा है तो पंचमुखी हनुमान जी और एक शंकर हजार की मूर्ति, जो मूर्तियाँ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात में खंडित की गई है। प्रशासन की क्या कार्रवाई इसके लिए? इसमें हम अज्ञात लोगों के खिलाफ तैयार कर रहे हैं और ये तलाश कर रहे हैं। सर मूर्ति में नई मूर्ति स्थापित कराएं? जी इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।